Hello dear students, good evening everyone. So कुछ important चीज़ें हैं जो आपसे discuss करनी है एक बार. एक तो ये है कि जो हम लोगों ने last lecture में मैंने आपको एक announcement किया था कि इस संडे को, ठीक है, जो अनाउंसमेंट था वो क्या था, इस संडे को, कमिंग संडे जो है, अभी जो संडे आ रहा है, उस संडे को मैं आपको प्लांट किंगडम, ठीक है, मैं आपको प्लांट किंगडम का एक टेस्ट पेपर बना के दूंगा. ठीक है, इस संडे को आपको प्लांट किंगडम का एक टेस्ट पेपर प्रोवाइड करूंगा मैं, जिसमें 90 क्वेश्चंस होंगे प्लांट किंगडम से. ठीक है, जिसमें 90 क्वेश्चंस होंगे प्लांट किंगडम से, और ये जो भी 90 क्वेश्चंस हैं, इसके लिए आपको एनसीईआरटी से थ्योरी अच्छे से रिवाइज करनी रहेगी. ठीक है, एनसीईआरटी का रिवीजन करेंगे. आई होप आप लोग करते ही रहे होंगे, बीच में कहीं भी आपने ड्रॉप नहीं किया होगा, तो एनसीईआरटी रिवीजन करके रखिए. और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने क्लास नोट्स को पढ़ें, क्लास नोट्स को एक बार रीड करें. साथ में जितने भी आपको डीपीपीज मिले हुए हैं वो एक बार गो थ्रू करें जल्दी से. ये 90 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे प्लांट किंगडम के, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी नीट लेवल के क्वेश्चंस हैं. ठीक है, सारे के सारे नीट लेवल के ही क्वेश्चंस आपको यहां मिलने वाले हैं. एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बहुत हायर लेवल का हो या ग्रेजुएशन लेवल का हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा. सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो नीट लेवल के ही क्वेश्चंस होंगे, और वही क्वेश्चंस होंगे जो नीट में आ सकते हैं. ठीक है, क्लियर? तो अच्छे से रिवीजन करके रखें. इसकी जो मार्किंग स्कीम है वो आप लोग फॉलो करेंगे, +4 करेक्ट ऑप्शन के लिए, करेक्ट आंसर के लिए, और -1 रॉन्ग आंसर अगर आपने किया और अटेम्प्ट नहीं किया तो उसको सिंपली ऐसे आप लीव कर सकते हैं. ठीक, ये प्लांट किंगडम का जो टेस्ट रहेगा इसको आप, ठीक है, इसको आप अटेम्प्ट करें, और टाइम ड्यूरेशन जो आप रखें, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन जो आप रखें वो टाइम ड्यूरेशन आपका होना चाहिए, क्योंकि 90 क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो 90 क्वेश्चंस अगर एक मिनट में एक क्वेश्चन करते हो तो, जो कि बायो में इतना टाइम लेना नहीं होता है, ठीक है, बट स्टिल उसको भी अगर हम मान लें तो ये पहला टेस्ट है, इसलिए आपको मैं इस पेपर को करने के लिए 1.5 घंटे का ही समय दूंगा, 1 घंटा 30 मिनट. ठीक है, 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम इसके लिए आपको मिलेगा. लिख देता हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें. वैसे मैं सारे ही इन्फॉर्मेशन को ग्रुप में भेजूँगा, तो इसका जो टाइमिंग रहेगा वो 1 आवर 30 मिनट का रहेगा. ठीक है, और एक ही पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको पेपर मिलेगा, और उसके 1.5 घंटे बाद आपको अपने रिस्पॉन्स जो हैं वो सबमिट कर देने होंगे. मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं और ग्रुप पे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको लगे. ठीक, तो उसके लिए अपने को पहले से क्या करके रखना है, एक चीज़ समझ लीजिए, उसके लिए अपने को पहले से क्या करना है, अपने को 1 to 90, ठीक है, 1 to 90 ऐसे काउंटिंग लिख लेनी है एक पेज पर. ठीक है, एक पेज लेंगे, खाली पेज, और इस खाली पेज पे अपन 1 to 90 ऐसे करके पूरी काउंटिंग लिख देंगे 90 तक. ठीक, अब आप क्या करिए, जिस टाइम पे आपको पेपर व्हाट्सएप पे आ जाएगा एग्जैक्टली उसी टाइम पे पेपर को ओपन कर दीजिए,
ठीक है, और पेपर को ओपन करने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़े, जो भी आंसर हुआ एक्स वाई जेड मान लेते हैं उसका आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सेकंड ऑप्शन तो यहां लिख दिया टू, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है थर्ड तो लिख दिया थर्ड, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट यहां लिख दिया फर्स्ट। तो इस तरीके से आपको ये रिस्पॉन्स शीट जो आप खुद से बनाएंगे वो फिलअप करनी होगी, ठीक है। तो प्रायर में आपको एक रिस्पॉन्स शीट तैयार करनी है, ठीक है, प्रायर में ही आपको एक रिस्पॉन्स शीट तैयार कर लेनी है, ठीक है, और इस रिस्पॉन्स शीट को आपको टेस्ट ड्यूरेशन के टाइम पे फिलअप करना है। टेस्ट सब लोग देंगे, ठीक है, टेस्ट सब लोग देंगे क्योंकि टेस्ट पेपर बहुत ही कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान पेपर है, और आप टेस्ट के बाद ही एक्चुअली में अपने आप को बोल पाएंगे कि हाँ अब मैं कंप्लीटली प्रिपेयर हूँ प्लान किंगडम के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी है, और आपको यही संडे, इसी संडे को ये एक्सरसाइज करनी होगी जहाँ पे आपको प्लान किंगडम का जो टेस्ट है वो मिलेगा, ठीक है। टाइमिंग क्या होगी आपकी, कोई स्पेशल ये है कि रिक्वेस्ट कि सर इतने टाइमिंग को रखिए? मैं ये सोच रहा हूं कि जो टाइमिंग है वो समवेयर अराउंड 10 to 11 के बीच में हो, जिससे आप सुबह उठ के 2-3 घंटा पेपर को चैप्टर को रिवाइज भी कर पाए, तो कहीं इस ब्रेकफास्ट के बाद और जो लंच रहता है उसके पहले के बीच में ये टाइमिंग लाए कर जाए तो सही रहेगा, ठीक है। तो कहीं पे ये टाइमिंग अगर लाए कर जाए तो सही रहेगा, क्लियर। तो अगर आपकी कोई स्पेशल ये है सजेशन कि सर इस टाइमिंग पर रख सकते हैं क्या, तो वो मैसेज में लिखिए, और बाकी मैंने जो भी बताया आपको अभी टेस्ट के बारे में वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं तो वो भी मेंशन आप कर दीजिए यहाँ पे। बोलिए। तो जो भी आपको लगता है कि ऐसा ऐसा वो बता सकते हैं, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो मेंशन करिए। वंदना क्लियर है आपको? ठीक है, और बाकी लोग? ठीक है, तो ध्यान रहे कि अपने को 90 के 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने होंगे, हमें वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे जिसमें हम सुपर कॉन्फिडेंट हैं कि इसका आंसर तो यही है, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो उतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए जितने आपको एकदम अच्छे से आते हैं। आपको अगर 90 में से 80 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 80 ही अटेम्प्ट करें, 70 आ रहे हैं 70 अटेम्प्ट करें, 50 आ रहे हैं 50 अटेम्प्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए 90 अटेम्प्ट किए, ठीक है, 90 अटेम्प्ट कर दिए क्वेश्चन, और इसमें से आपने 20 क्वेश्चन जो हैं वो गलत कर दिए, ठीक, 20 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो क्या हुआ, 21 क्वेश्चन में -1 है, तो पता है कितने मार्क्स कटते हैं क्वेश्चन गलत करने के लिए? 5 मार्क्स। तो आपके 100 मार्क्स तो ऐसे ही माइनस हो जाएंगे, ठीक है, 20 गलत कर दिए, 100 मार्क्स माइनस, कितने सही हैं? 70, 70 सही है, तो 70 में हर एक के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे, तो कितने हो गए टोटल? 280, और 280 में आपने 100 माइनस कर लिए हैं तो आपका जो टोटल रहेगा वो सिर्फ 180 रहेगा, ठीक है। उसी में अगर आप 70 क्वेश्चन बिना करके सिर्फ क्या बोलते हैं 50 क्वेश्चन कर लेते, सही कर लेते, तो आपको 200 मार्क्स मिल जाते, 90 भी करने की जरूरत नहीं थी, क्लियर। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि आप बहुत ही वाइजली, क्योंकि पहली बार है आपके सामने एक फुल फ्लेजिड 90 क्वेश्चंस का पेपर आने वाला है, तो उसको उसी तरह से करिए। प्रायर में आपको एक रिस्पॉन्स शीट बना के रखनी है, ठीक है, प्रायर में आपको एक रिस्पॉन्स शीट 1 to 90 क्वेश्चंस हैं तो 1 to 90 काउंटिंग वहां पे लिख करके रखनी है, और इसको टेस्ट के टाइमिंग में अपने को क्या करना रहेगा, फिलअप करना रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको संडे के टेस्ट के लिए तैयार रहना है, ठीक, एक्साइटेड रहना है, और बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर होके आप पेपर को अटेम्प्ट करें। पेपर अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यही असली फील दिलाएगा आपको नीट के एग्जाम की, कि नीट में क्या, किस तरह का माइंडसेट रहता है, कैसे हम टैकल करते हैं उस समय पे पेपर को। तो ये पहली सीढ़ी है आपकी, ठीक है, जो मैं
संडे को आपको पेपर दे रहा हूँ। इसके इस पेपर के बाद जल्द ही हम प्लांट किंगडम के पूरे चैप्टर का एक क्विज भी रखेंगे, ठीक है। और जैसे ही एनिमल किंगडम खत्म हो जाएगा, एनिमल किंगडम का भी टेस्ट रखा जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके अब हम स्विच कर रहे हैं नीट के, एग्जैक्टली नीट के टेम्परामेंट की तरफ, ठीक है। तो इसमें आपका जो ये होना चाहिए वो पूरा 100% होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो चलिए अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और एनिमल किंगडम में लास्ट में जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए तो लेट बिगिन, शुरू करेंगे। चलिए देखिए, तो लास्ट हम लोग फाइलम एसके हेलमिंस को पढ़ रहे थे। फाइलम एसके हेलमिंस को पढ़ना हमने स्टार्ट किया था और आपको पता है कि अभी हम लोग जिन फाइलम्स को डील कर रहे हैं बेसिकली इस समय पे, वो हैं वॉर्म्स के फाइलम, ठीक है, जिसमें हम फ्लैट वॉर्म्स को पढ़ चुके हैं और अभी हम राउंड वॉर्म्स को टैकल कर रहे हैं, ठीक, राउंड वॉर्म्स को टैकल कर रहे हैं। तो सबसे पहले राउंड वॉर्म्स के हैबिटेट के बारे में बात कर लें। तो राउंड वॉर्म्स के जो हैबिटेट होते हैं, बात क्या कर लें, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। राउंड वॉर्म का जो हैबिटेट है, बेसिकली इट कैन बी एक्वेटिक, ठीक है, दे कैन ऑल्सो बी सीन ऑन सॉयल, ठीक है, और पैरासाइटिक भी होते हैं, यानी दूसरों की बॉडी में रहने वाले और उनको नुकसान पहुंचाने वाले। सबसे बड़ी बात, बॉडी सिमेट्री बाइलेटरल, सिमेट्री बाइलेटरल, जर्म लेयर तीन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में ये सेकेंड फाइलम ही है। बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी एब्सेंट, फॉल्स बॉडी कैविटी कॉल्ड सूडोसिलोम प्रेजेंट, सूडोसिलोम प्रेजेंट है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा रहेगा इनका, कंप्लीट रहेगा और पैरासाइटिक में एब्सेंट रहेगा, ठीक है, कंप्लीट रहेगा और पैरासाइटिक वाले में एब्सेंट रहेगा। एक्सक्रीशन के लिए मैंने आपको बताया है इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं कॉल्ड रेनेट सेल्स, कॉल्ड रेनेट सेल्स। तो ये अपना कंप्लीट हो चुका था इतना पोर्शन, चलिए आगे देखेंगे अब। तो यहां पे अब मैंने एक राउंड वॉर्म, ठीक है, कंप्लीट राउंड वॉर्म का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे लिखी हुई हैं आपके लिए, ठीक, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग अगर इसके इस पे आए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे आए, तो देखना, ध्यान से देखना, यहां बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये चीज, ठीक है। तो इसके सबसे पहले अगर मैं डाइजेस्टिव ट्रैक की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं सबसे पहले इसके डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करूं, तो डाइजेस्टिव ट्रैक शुरू होता है कहां से, माउथ से। शुरू कहां से हो रहा है, माउथ से शुरू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जस्ट माउथ के बाद इसमें एक और स्ट्रक्चर है, माउथ से लेकर के इंटेस्टाइन तक एक स्ट्रक्चर है, माउथ से लेकर के इंटेस्टाइन तक, जो कि है फेरिंग्स। ये फेरिंग्स का कॉन्सेप्ट यहां पहली बार आया है, फेरिंग्स का कॉन्सेप्ट जो है वो यहां पे पहली बार आया है, ठीक है। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर खाना जाएगा, रुको समझाता हूं, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक कॉन्सेप्ट आया है फेरिंग्स का पहली बार, अब समझिएगा, मैं अब दिखाऊंगा आपको। देखो, मान लो ये माउथ है, ठीक, ये माउथ है, एक ओपनिंग, इसके थ्रू इसने कुछ खाया, ठीक है, कुछ खाया इसने, और ये है फेरिंग्स, ठीक है, ये फेरिंग्स है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको मजा आएगा समझ के, ये जो फेरिंग्स है ना, ये मस्कुलर होती है, ठीक, ये जो फेरिंग्स है ये मस्कुलर है, तो मस्कुलर फेरिंग्स इसमें प्रेजेंट हुई, तो ये जो फेरिंग्स है ये मस्कुलर है, ठीक है। आपको पता है जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कर सकती हैं, जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कर सकती हैं।
आप इसको बहुत सिंपल एक एक्सपेरिमेंट से अपने साथ ही देख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो अभी आपका जो हैंड का मसल है, ये सबको फेवरेट भी होता है और सब जानते भी कि यहाँ पे एक मसल है, बाइसेप है, इधर ट्राइसेप है, ऐसे बोल करके, ठीक है। तो कभी भी अगर आप एक पर्टिकुलर जगह पे खड़े हो जाइए, ठीक है, एक पर्टिकुलर वॉल के पास, जैसे मैं इस बोर्ड के पास खड़ा हो जाऊँ, ठीक है, इस बोर्ड से मैं अपने हाथ को पहले मैंने ऐसे बंद किया, ठीक है, अपने हाथ को ऐसे बंद किया और एकदम इस मसल को, बाइसेप को, ट्राइसेप को पूरा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मैं इस बोर्ड से जस्ट उस डिस्टेंस पे खड़ा हूँ जहाँ मेरा हाथ इसको जस्ट टच कर पा रहा है, ठीक है, उस डिस्टेंस पे खड़ा हूँ जहाँ पे मेरा हाथ इसको जस्ट टच कर रहा है, तो जहाँ पे टच किया वहाँ पे ब्लैक स्पॉट बन गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपने इस हाथ को एक बार रिलैक्स करूँगा ऐसे, ठीक है, इस हाथ को मैंने ऐसे रिलैक्स किया तो मेरे हाथ की जो भी मसल थी यहाँ पे वो मसल्स क्या हो गई हैं, रिलैक्स में हो गई हैं। और अब क्या देख रहा हूँ मैं कि मेरा हाथ जो है यहाँ पे पूरी तरीके से, अभी जस्ट टच था लेकिन अब एकदम काफ़ी ज़्यादा दूर तक जा चुका है। तो ये साफ साफ आपको दिख रहा है कि जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती हैं, ठीक। तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का डेमो भी हमें हमने देख लिया, आप भी कभी भी कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। मसल को पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करो, एक दीवार को रेफरेंस पॉइंट बनाओ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उस दीवार से सिर्फ उतने डिस्टेंस पे खड़े हो जाओ जहाँ पे आपका हाथ उस दीवार को जस्ट टच करे, फिर इसको हल्का सा झटका दो, नॉर्मली झटका दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप वो इसको हल्का सा झटका दोगे मसल रिलैक्स हो जाएगी। अब आप अगर हाथ का डिस्टेंस नापोगे तो पाओगे कि क्या वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है पहले से, ठीक। तो मसल क्या होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती हैं। सिमिलरली ये जो फेरिंग्स है, ये बैगलाइक स्ट्रक्चर, ये मसल का बना है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है। तो जैसे ही राउंड वॉर्म कुछ खाना खाता है, ठीक है, जैसे ही राउंड वॉर्म कुछ खाना खाता है तो ये जो फेरिंग्स में प्रेजेंट मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करेंगी इस तरह से, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करेंगी, जिस वजह से क्या होगा, वो खाना क्रश हो जाएगा, वो खाना एकदम फाइन पाउडर जैसा, एकदम मतलब फाइनली क्रश हो जाएगा, ठीक है, एकदम फाइन क्रशिंग हो जाएगी उस खाने की, ठीक, और वो खाना फिर आगे भी बढ़ेगा, ठीक है, खाना एकदम क्रश हो गया, आगे बढ़ा, और अब क्रश होके एकदम जब फाइन हो गया खाना तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत आसान हो जाता है, तो अब वो खाना जाएगा इंटेस्टाइन में जहाँ पे उसका एकदम खूबसूरती के साथ एब्जॉर्प्शन होगा, जो वेस्ट बचेगा वो इंटेस्टाइन में रहेगा और जो वो वेस्ट है वो अपना एनस के थ्रू बाहर निकल आएगा, ठीक है, जो वेस्ट है वो अपना एनस के थ्रू बाहर निकल आएगा। अब सुनिएगा, अब क्या होगा, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, इधर उधर का वेस्ट है, उसे यहीं पे प्रेजेंट कुछ सेल्स जिनका नाम है रेनेट सेल्स, जिनका नाम है रेनेट सेल्स, वो रेनेट सेल्स उनको कलेक्ट करेंगे और वो वाला लिक्विड वाला जो वेस्ट है वो इस एक्सक्रीटरी पोर से बाहर निकला करेगा, क्लियर। तो इस तरीके से इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहली बार पूरे एनिमल किंगडम में फर्स्ट टाइम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक मस्कुलर ऑर्गेन आया जिसका नाम था मस्कुलर फेरिंग्स, जो खाने को अच्छे से क्रश करके आगे बढ़ाता है जिससे उसका इंटेस्टाइन में जाने के बाद एब्जॉर्प्शन आसान हो जाता है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में माउथ, मस्कुलर फेरिंग्स, देन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद वहां तक तो नहीं ले जा पाऊंगा इसको, तो यहीं लिख देता हूं क्या, एनस। तो इस तरीके के ऑर्गेन्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दिखे, ठीक है, और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, तो 100% कंप्लीट है, क्यों, क्योंकि इसमें माउथ और एनस दो अलग अलग कैविटी है, माउथ जो है वो खाना खाने के लिए है, एनस जो है वो वेस्ट को बाहर फेंकने के लिए है। तो इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन कौन से ऑर्गन आ गए भाई, अपन भी नोट कर लें अपने नोटबुक में। तो सबसे पहले इसमें आ गया एक माउथ, फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एनिमल किंगडम में पहली बार देखी गई और वो एडवांस फीचर था, अभी तक नहीं था किसी भी एनिमल में, तो वो था मस्कुलर फेरिंग्स, इसको थोड़ा हाईलाइट करें, वो था मस्कुलर फेरिंग्स, इसको आप कोशिश करके थोड़ा हाईलाइट करिए और याद रखिए एज ए स्पेशल फीचर भी। देन इसके बाद इसमें
इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन जैसा हम लोगों में है वैसा मत समझिएगा, नॉर्मल इंटेस्टाइन है, शुरुआत हो रही है एक पर्टिकुलर जगह की जहां से एब्जॉर्प्शन होगा खाने का बेसिकली, तो उसे इंटेस्टाइन हम लोग बोल रहे हैं. देन इन देम वी ऑल्सो हैव एनस. ठीक है, एंड यू नो दैट द फंक्शन ऑफ एनस इज टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, एनस. तो ये इसके डाइजेस्टिव ट्रैक के ऑर्गेन्स हैं, स्पेशल फीचर मस्कुलर फेरिंग्स. अब नेक्स्ट में आते हैं, तो यहाँ लिखा है एक्सक्रीटरी पोर. तो ये जो एक्सक्रीटरी पोर है, ये बेसिकली क्या करेगा, इट रिमूव्स नाइट्रोजनस वेस्ट ठीक है, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट कौन करता है, कलेक्टेड बाय स्पेशल सेल्स कॉल्ड रेनेट सेल्स, कलेक्टेड बाय स्पेशल सेल्स कॉल्ड रेनेट सेल्स. ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको. तो इस तरीके से हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एक इसका एक्सक्रीटरी पोर को डिस्कस किया. अब आई होप तुमको यहां तक चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, तो इसके आगे हम लोग बढ़ सकते हैं. फिर अभी कोई डाउट है यहां पे, कुछ पूछना है किसी भी ऑर्गेन के बारे में कुछ भी, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. So Vanna is saying that she is quite excited to give an exam which is like NEET. So do I. मैं भी उतना ही excited हूँ जितना आप लोग हैं, just to see कि how you are going to perform. लेकिन अपने को ना कोई load नहीं लेना है उसमें कि बहुत ये exam है वैसा है, नहीं, कोई अपने को उसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है. It's just an एग्जाम, एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के फॉर्म में उसे लेंगे और आगे बढ़ेंगे. ठीक है, कोई बहुत लोड लेके नहीं है यार, क्या होगा, कैसा पेपर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ. ठीक है, चलिए तो आगे चलें. अब हम बात करें इसके नर्वस सिस्टम की. इसके जस्ट पहले वाले फाइलम्स की अगर हम बात करें, तो अपन रिविजन भी जहाँ जहाँ पॉसिबल है उधर रिविजन भी करते रहते हैं. ठीक है, तो इसके जस्ट पहले वाले अगर हम फाइलम्स की बात करें, तो पॉरीफेरा पढ़ते आ रहे हैं. पॉरीफेरा में नर्व नाम का कोई चीज ही नहीं है, नर्व नहीं है, नर्वस सिस्टम तो बहुत दूर की बात है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें. फिर अगर हम बात करें सिलेंट्रेटा की, तो सिलेंट्रेटा में नर्वस सिस्टम तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन उनमें बहुत सिंपल नर्व सेल्स प्रेजेंट है ना, उनमें काफी सिंपल नर्व सेल्स प्रेजेंट हैं. और इसी के भाई वाले फाइलम में, दैट इज इसके ट्विन फाइलम में, टीनोफोरा में भी यही सेम चीज है. ठीक है, तो ये था वो तीन फाइलम का कहानी. अब हिस्टोरिकली एक हिस्टोरिक फाइलम है अपने पास, प्लेटीहेलमिंथ्स, जो इसके जस्ट पहले है ना, इसके हेलमिंथ्स हम पढ़ रहे हैं, इसके जस्ट पहले प्लेटीहेलमिंथ्स हैं. तो उनमें नर्वस सिस्टम लाइक स्ट्रक्चर या नर्वस सिस्टम, एक पर्टिकुलर प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, जो कि लैडर लाइक दिखता है ना, तो वो हमने उसमें देखा था. अब रही बात, तो राउंड वॉर्म्स में नर्वस सिस्टम किस तरीके का है, तो राउंड वॉर्म्स में एक पर्टिकुलर नर्व रिंग प्रेजेंट होती है. जैसे वहां पे ब्रेन गैंग्लिया है ना नर्व सेल्स का, यहां पे भी एक गैंग्लियन है, कई सारे नर्व सेल आके एक जगह पे इनर्वेट होते हैं, एक जगह पे इकट्ठा होते हैं. ठीक है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं यहां पे वो. ठीक है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहां पे बनाते हैं. सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ
नर्व रिंग इन द रीजन ऑफ फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के रीजन में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि कई सारे नर्व्स वहां पे आके इनर्वेट किए हुए हैं। तो अगर मैं तुमको यहां पे पहले मैं दिखाऊं रफली, तो अगर ये माउथ है तो इसके बाद स्टार्ट हो रहा है फेरिंग्स, ठीक है, इसके बाद स्टार्ट हो रहा है फेरिंग्स, ये तो ये फेरिंग्स हैं, यहीं तक अपन रुकते हैं। और यहां पे अगर हम देखें तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहां पे, ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं, एक रिंग प्रेजेंट है जिसमें बहुत सारे नर्व्स आके इकट्ठा हो गए हैं, ये ऐसे, तो एक रिंग प्रेजेंट है फेरिंग्स को सराउंड करते हुए जिसमें बहुत सारे नर्व्स आके इकट्ठा हो गए हैं, ठीक है, इसे हम बोल रहे हैं नर्व रिंग, ठीक, इसे हम बोल रहे हैं नर्व रिंग, इसे हम क्या बोल रहे हैं, तो इसे हम बोल रहे हैं नर्व रिंग। और इसे और परफेक्ट साइंस की लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं, सुनिएगा, तो क्योंकि ये फेरिंग्स के रीजन में है, ठीक है, क्योंकि ये फेरिंग्स के रीजन में है, तो एक टर्म हम यहां पे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, वो है फेरिंजियल नर्व रिंग, यानी फेरिंग्स के रीजन में पाई जाने वाली नर्व रिंग, फेरिंजियल नर्व रिंग, फेरिंग्स के रीजन में पाई जाने वाली नर्व रिंग, ठीक है। अब ये फेरिंग्स के कहां पे प्रेजेंट है, क्या ये फेरिंग्स के साइड में है, क्या ये फेरिंग्स के ऊपर है, क्या ये फेरिंग्स के नीचे है, तो नहीं, आप देखेंगे कि ये फेरिंग्स के ऊपर भी है, साइड में भी है, नीचे भी है, यानी ये फेरिंग्स के सरकमफेरेंस में है, ठीक है, फेरिंग्स के सरकमफेरेंस में है, पूरे सरकमफेरेंस में है। सरकमफेरेंस पता है ना आपको क्या होता है, बाउंड्री ऑफ ए सर्कल, ठीक है, तो ये पूरे फेरिंग्स के सरकमफेरेंस में है, इसलिए इसको बोलते हैं सरकमफेरेंजियल, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंजियल नर्व रिंग, क्या बोलेंगे इसको, सरकमफेरेंजियल नर्व रिंग, ठीक। तो देखिए ध्यान से इधर कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ नर्व रिंग इन द रीजन ऑफ फेरिंग्स, ठीक है, एंड दिस नर्व रिंग इज टर्म्ड एज सरकमफेरेंजियल नर्व रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है सरकमफेरेंजियल नर्व रिंग। ठीक है, सरकमफेरेंजियल नर्व रिंग इसका नाम है। अब इस सरकमफेरेंजियल नर्व रिंग से सभी लोग अच्छे से ध्यान दें, अब इस सरकमफेरेंजियल नर्व रिंग से इस राउंड वर्म में ऊपर की तरफ भी कुछ नर्व्स जाती हैं और नीचे की तरफ भी कुछ नर्व्स जाती हैं, ठीक है, तो इस सरकमफेरेंजियल नर्व रिंग से कुछ नर्व्स नीचे की तरफ जा रही हैं और कुछ ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो नीचे वाली नीचे के ऑर्गन्स को जाके जोड़ेंगी, ऊपर वाली ऊपर के ऑर्गन्स को जाके जोड़ेंगी, ठीक है, वहां से सिग्नल लाने का काम करेंगी, ऊपर वाली ऊपर में कोई हलचल हो रही है, कुछ करना है, क्या करना है तो पूछने के लिए यहां तक आएंगी, ठीक है, नीचे के कुछ हलचल हो रही है तो यहां तक पहुंचाएंगी, ठीक। तो इस तरीके से इस सरकमफेरेंजियल नर्व रिंग से निकल के नर्व्स ऊपर की तरफ भी जाती हैं और नीचे की तरफ भी आती हैं, ठीक है, सो नर्व्स मूव अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स फ्रॉम दिस नर्व रिंग, ठीक है, क्लियर। तो
इस डायग्राम में देखें तो देखो यहां पे वो नर्व रिंग प्रेजेंट है, ये देखो यहां पे वो नर्व रिंग प्रेजेंट है ये, ठीक है। किस रीजन में प्रेजेंट है आप देख पा रहे हैं ना, फेरिंग्स के रीजन में, इसीलिए इसको क्या नाम दिया है, सरकमफेरेंजियल नर्व रिंग, इसीलिए इसको क्या नाम दिया है, सरकमफेरेंजियल नर्व रिंग। ठीक है, अब यहां से खूब सारी नर्व्स निकलेंगी, कुछ जाके ऊपर वाले ऑर्गन्स को जोड़ेंगी, कुछ जाके नीचे वाले ऑर्गन्स को जोड़ेंगी, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से इनमें नर्वस सिस्टम इस तरीके का प्रेजेंट है, जो थोड़ा सा एडवांस हो गया पिछले के कंपैरिजन में। तो देखो कभी भी ना हमें एक फाइलम में उसके सारे करेक्टर्स ऐसे करके याद करोगे ना, बहुत मुश्किल में आ जाओगे। कोशिश करो कि उसका ग्रेजुअल इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, जैसे अभी मैंने नर्वस सिस्टम को पकड़ लिया, तो नर्वस सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, पॉरीफेरा में तो है ही नहीं, ठीक है, सिलेंट्रेटा में भी नहीं है, लेकिन नर्व सेल्स आ गए हैं, सिंपल नर्व सेल्स आ गए हैं, टिनोफोरा में भी सिंपल नर्व सेल्स हैं, प्लेटीहेलमिंथ्स में नर्वस सिस्टम शुरू हुआ, और नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, दो नर्व कॉर्ड हैं, उनमें दो नर्व कॉर्ड को जोड़ रही क्या है, नर्व सेल्स हैं, जिससे कि एक लेडर लाइक अपियरेंस आता है। उसके आगे के फाइलम में आ गए तो नर्व रिंग है, सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग है, जो ऊपर की तरफ भी नर्व जा रहे हैं वहां से और नीचे की तरफ भी नर्व जा रहे हैं वहां से, क्लियर हुआ। अब आगे के फाइलम में क्या होगा, वो पढ़ने की इच्छा अपने आप आ जाएगी, फिर आगे के फाइलम में क्या होगा, वो पढ़ने की इच्छा आ जाएगी, और हम में सबसे एडवांस है प्रॉपर ब्रेन और नर्वस सिस्टम है, जो कि एक पर्टिकुलर चैप्टर में हमें दिया है, तो वहां पर पढ़ेंगे। ऐसे एक एक चीज को अगर हम उसके इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ करके पढ़ेंगे तो चीजें इतनी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी कि एनिमल किंगडम आपका फेवरेट भी बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही पढ़ते रहिए, चलिए आगे देखें। और अब हम लोग बात करेंगे किस पे, सेंस ऑर्गेन्स पे, अब हम लोग बात करेंगे किस पे, सेंस ऑर्गेन्स पे। तो सेंस ऑर्गेन्स यहां पे स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गेन्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गेन्स डेवलप हो रहे हैं। तो एक सेंस ऑर्गेन पैपिले इनमें डेवलप हो रहा है, डेवलप हुआ है मतलब पैपिले, एक सेंस ऑर्गेन जो इसमें डेवलप हुआ उसका नाम है फाजमिट्स, और एक सेंस ऑर्गेन जो इसमें डेवलप हुआ उसका नाम है एम्फिड्स, ठीक है, उसका नाम है एम्फिड। ठीक, देखिए यहां से थोड़ा सा हटा देता हूं, देखिए। तो अगर मैं एक राउंड वर्म का सिर्फ माउथ वाला हिस्सा बना रहा हूं, अभी आपके सामने ऊपर ये माउथ वाला हिस्सा बनाया, तो इस माउथ वाले हिस्से पे कई बार देखा गया है कि ऐसे हेयर के जैसे ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं ना, उसके जैसे स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है, इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं पैपिले, ठीक, इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पैपिले। तो ये जो पैपिले होते हैं ये टच को, मैकेनिकल किसी चीज को फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब ऐसे ऐसे हिलाता है आगे का, ठीक है, अपना ये पैपिला ब्रिसल के जैसा, और टच करता है चीजों को और फील करता है कि भाई ये क्या हो सकता है, इससे मुझे खतरा तो नहीं है, तो ये सारी चीजें। तो ये जो सेंसरी ऑर्गेन है पैपिला, ये ऐसे ब्रिसल्स के जैसे, ब्रश के जैसे, हेयर्स के जैसे आगे प्रेजेंट है, जो ऐसे ऐसे हिलता रहेगा और चीजों को, टच वाली चीजों को फील करता रहेगा, ठीक है। तो ये जो पैपिला है ये ब्रिसल्स बोल दें, ब्रिसल का मतलब ब्रश के ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, तो ये ब्रिसल्स लाइक होते हैं, ठीक है, और ये टैक्टाइल रिसेप्टर्स हैं।
ठीक है, ये टेक्टाइल रिसेप्टर्स हैं। टेक्टाइल रिसेप्टर का मतलब है जो किसी मैकेनिकल बोलेंगे क्या, किसी टच वगैरह को फील कर पाए, तो टच रिसेप्टर है बोल देते हैं। चलो फिर आता है फैजमिड। तो फैजमिड से पहले हम एम्फिड को कर लेते हैं, ठीक है, फैजमिड से पहले एम्फिड्स को करते हैं। तो एम्फिड्स क्या होते हैं, इसके माउथ के, ठीक है, अब इसके माउथ को ना मैं थोड़ा और एलोबरेट करता हूँ, ध्यान से देखना इधर, इसके माउथ को फिर से बना देते हैं। तो इसके माउथ को मैं थोड़ा और एलोबरेट करूँगा आपके सामने। तो ये इसका माउथ वाला रीजन है, ठीक है, इसके माउथ वाला रीजन है और ये उसका माउथ है, ऐसे मान लो, ठीक है, ये उसका माउथ है, वो जो बनाया है ना वो उसका माउथ है। इसके माउथ के इस हिस्से में जो लिप्स के जैसा इसके लिए माना जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ निकला रहेगा लिप्स के जैसा, उसमें कुछ ऐसे ना पिट यानी गड्ढों के जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं, उसमें कुछ ऐसे पिट यानी गड्ढों के जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं। ये जो पिट लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये जो पिट लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, पिट के जैसा, पिट लाइक स्ट्रक्चर, इस पिट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एम्फिड। ठीक, इस पिट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं एम्फिड। तो एम्फिड क्या है, तो एम्फिड आर पिट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द लिप लाइक ऑन द लिप्स ऑफ द माउथ। ठीक है, एग्जैक्टली लिप्स वहां नहीं है बट अपन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज पिट लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन माउथ, माउथ के आसपास, ठीक, और ये होते हैं कीमोरिसेप्टर्स। ये क्या होते हैं, कीमोरिसेप्टर्स। तो कीमोरिसेप्टर्स का क्या काम होगा यहां पे, तो कीमोरिसेप्टर्स का यहां क्या काम होगा, ये केमिकल्स को परसीव करते हैं, ठीक है, कि जब ये इनको महक आ जाएगी पर्टिकुलर केमिकल की जो इनके लिए खाना है, तो ये उस पर्टिकुलर केमिकल की जैसे ये महक लेंगे, जैसे ही उसको देख लेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर केमिकल है जो मेरे लिए खाना है, तो एकदम से भगाएंगे इसको, ठीक है, सिग्नल देंगे नर्व्स के थ्रू कि भाई जाओ, तुरंत सिग्नल दो। तो सर्कमफेरेंशियल नर्व को जैसे ही सिग्नल मिला, पूरी बॉडी में सिग्नल फैलेगा कि पास में खाना है, ये उस तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और उस तरफ जैसे ही ये पहुंचेंगे तुरंत खाना खा लेंगे। अभी इनको केमिकल की सिग्नल आया, एक केमिकल का महक आई, केमिकल का परसीव किया एक केमिकल इन्होंने कि भाई ये तो टॉक्सिन है, ये जहर है मेरे लिए, ये जहर आ रहा है। तो जैसे ही देखा कि पास में जहर है, ठीक है, तुरंत ही सिग्नल गया, ये सिग्नल पूरी बॉडी में फैल गया और ये तुरंत वहां से यू टर्न मान के वापस चले आए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सेंस ऑर्गन है एम्फिड्स, ये कीमोरिसेप्टर है, ये इनको केमिकल्स को पहचानने में हेल्प करता है, कौन सा केमिकल इसके लिए खाना है, कौन सा केमिकल इसके लिए जहर है, ठीक है। तो ये कीमोरिसेप्टर है। देन है फैजमिड्स, ठीक है, ये है फैजमिड्स जो कि प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर रीजन पे। पोस्टीरियर का मतलब पीछे की तरफ, जो एनल रीजन है, जहां एनस प्रेजेंट है उसके आसपास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दे आर प्रेजेंट ऑन एनल या पोस्टीरियर रीजन ठीक है, और ये ग्लैंडुलो सेंसरी रिसेप्टर हैं, ठीक है, ग्लैंडुलो सेंसरी रिसेप्टर हैं, यानी ये कुछ ग्लैंड्स के जैसे बिहेव करते हैं, कुछ सेक्रीट करेंगे कुछ चीज़ों को, ठीक है। ये सेक्रीशन कई चीज़ के लिए हो सकता है, अगर कभी कोई चीज़ एक्सक्रीट कर रहे हैं तो एक्सक्रीशन को लुब्रिकेट करने के लिए सेक्रीशन हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए सेक्रीशन हो सकता है इसमें। तो जो फैजमिड्स हैं ये पोस्टीरियर रीजन पे हैं, जो ग्लैंडुलो सेंसरी होंगे। तो ये इनके कुछ सर्टेन, इनके पास स्पेसिफिक स्पेशल तरह के सेंस ऑर्गन जो इनमें डेवलप हुए, और ये उनके नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा जानकारी जो आपको रखनी चाहिए, ठीक है। नहीं रखेंगे तो अपन को इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा ना, तो ये सिर्फ आपके इंटरेस्ट को ये करने के लिए है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गई यहां तक चीजें।
तो अपन अब आगे चलें। सब चीज़ नोट करते रहो अच्छे से, एकदम बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारी सी एक नोटबुक बायो की बन के आपके पास तैयार होनी चाहिए, जिसको आप देखें तो आपको खुद अच्छा लगे और कॉन्फिडेंस भी आए कि हाँ मेरे को ये सारी चीज़ें आती हैं, मैंने लिख रखी हैं। ठीक है, चलिए अब बात करें इसके रिप्रोडक्शन की। बात करें इसके रिप्रोडक्शन की तो सबसे पहली बात कि भाई अब इस फाइलम में आते आते एनिमल इतने एडवांस हो चुके हैं, ठीक है, एनिमल इतने एडवांस हो चुके हैं, एनिमल को इतना खुद पे भरोसा हो गया है कि इनको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ए सेक्सुअल की अब हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ए सेक्सुअल एब्सेंट रहेगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली। इसके बाद एक बात जान लीजिए कि अभी तक इसके पहले जो फाइलम हमने पढ़ा वॉर्म वाला, उसमें हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स होते थे, लेकिन इस फाइलम में यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, इनमें यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, डाई का मतलब दो, मॉर्फिज्म का मतलब अपीयरेंस। तो सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि दो अलग अलग तरह के दिखने वाले एनिमल्स हैं, मेल अलग टाइप की है, फीमेल अलग टाइप की है। ठीक है, जैसे आप कभी भी किसी ह्यूमन में आप देख के बता सकते हो ना कि हाँ ये मेल है ये फीमेल है। ठीक है, अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है धीरे धीरे, अभी मेल फीमेल जब एक जैसा ही दिखने लग रहा है धीरे धीरे, बट स्टिल अगर आप देख करके बता पाए कि हाँ ये मेल है ये फीमेल है, तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जो इस फाइलम में अचीव हुआ है। ठीक है, इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, यानी मेल एंड फीमेल कैन बी डिफ्रेंशिएटेड, उन्हें आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल कैन बी डिफ्रेंशिएटेड। अलग अलग आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग है, पहचान लेंगे। तो जब अलग अलग है तो आप पूछेगा भाई फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, मेल का स्पर्म फीमेल की बॉडी में डिपॉजिट होगा, फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। और जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, डेवलपमेंट अभी काफी देर तक इनडायरेक्ट ही चलेगा। ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, यानी लार्वा बनेगा, जो फेमस लार्वा हैं, अब ये याद करने वाले चीज़ें हैं भाई, है ना, जो फेमस लार्वा है वो है एक तो फिलेरी फॉर्म लार्वा, और एक का नाम याद रखिए रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। ठीक है, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, ये दो लार्वा के नाम आप याद रख सकते हैं, जस्ट इन केस पूछ लें, जिसके चांसेस काफ़ी कम हैं, बट स्टिल अपने याद रहना चाहिए थोड़ी चीज़ें। ठीक, तो इसके रिप्रोडक्शन के बारे में इतनी बातें अपने को याद रखेंगे। थोड़ा और आगे चला जाए, तो यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए, यहाँ तक के लेक्चर में कोई डाउट हो आपको, युक्ता, वंदना, शुभी, संजना, नमन, रिमझिम, दिलीप, कोई भी डाउट आपको अगर यहाँ तक के लेक्चर में है तो पूछ लीजिए। नमन, आप
बोल रहे हैं क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम आगे चल सकते हैं, इसका मतलब है संजना, ठीक है, ठीक। तो अभी हम आगे चल सकते हैं। अब ये इस फाइलम का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये इस फाइलम का एक एग्जाम्पल है। और ये जो एग्जाम्पल है इस फाइलम का, इसी के नाम पे इस फाइलम का नाम भी है, ठीक है, इसी के नाम पे इस फाइलम का नाम भी है। और ये जो ऑर्गेनिज्म आपके सामने है, इसको हम बोलते हैं एस्केरिस। ठीक है, इस पर्टिकुलर को हम लोग बोलते हैं एस्केरिस, ठीक है, इसे बोला जाता है एस्केरिस। और इस पर्टिकुलर राउंड वर्म को जब आप देख रहे हो, तो इसमें एक ये वर्म है और एक ये है, ये दोनों एस्केरिस हैं। जिस पर्टिकुलर वर्म में आपको जिसका साइज छोटा दिखे, ठीक है, जिसका साइज छोटा दिखे और एनस की तरफ यानी एक तरफ किसी तरफ वो ऐसे सर्कुलर ऐसे फोल्ड अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो रहा हो ऐसे, ठीक है, और एकदम एक्सट्रीम पे ऐसे कुछ रेशे टाइप के दिखे, ठीक, तो वो होगा इसका मेल, वो होगा इसका मेल। और जो दोनों एंड से नॉर्मल है, कहीं पे ऐसा कुछ सर्कुलर मुड़ा नहीं है, वो है फीमेल। फीमेल और मेल की हाइट अगर आप यहाँ पे साइज कंपेयर करेंगे, तो जो फीमेल है वो लंबी है साइज में और जो मेल है वो छोटा है साइज में। तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है एक्चुअली में, आप देख के बता सकते हैं कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है। तो मेल जो है वो ऐसे मुड़ा हुआ होगा पीछे से इस तरीके से, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, और जो फीमेल है वो ऐसी मुड़ी हुई नहीं है, वो दोनों एंड से नॉर्मल है, ठीक है, और फीमेल जो है वो लंबी है साइज में, ठीक। अब एक ये जो एस्केरिस है, ये ह्यूमंस में एक इन्फेक्शन करता है, ठीक है, ये ह्यूमंस में एक इन्फेक्शन करता है जिसको बोलते हैं एस्केरियासिस। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं एस्केरियासिस। ये एस्केरियासिस जो है ये बच्चों में ज्यादातर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं पेट में कीड़े होना। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं पेट में कीड़े होना, कि भाई पेट में क्या हो गया, कीड़े हो गए, ठीक है, पेट में कीड़े होना। अब तो ये बच्चों में इसलिए हो जाता है क्योंकि आप देखते हो ना, बच्चे जो हैं मिट्टी में खेलते रहते हैं, ठीक है। अब ये इसके जो लार्वा हैं, एस्केरिस के जो लार्वा हैं, वो मिट्टी में होते हैं, ठीक है। तो बच्चा है, आप देखते हैं बच्चा जो है वो जमीन में बैठा हुआ है, उसके हाथ मिट्टी से सने हैं, और कभी भी वो मिट्टी को ऐसे हाथ को अंदर डाल लेगा, ठीक है। तो उस मिट्टी में हो सकता है इसके लार्वा प्रेजेंट हो, और वो लार्वा उस बच्चे के अंदर चले गए। कई बार आपने देखा होगा नया नया घर बनता है, तो जो बच्चे हैं वो दीवार चाटते रहते हैं, कई बार पकड़े जाते हैं इस तरीके से वो, कि वो दीवार चाट रहे हैं, तो उस दीवार में भी उनके लार्वा हो सकते हैं एस्केरिस के। तो इस तरीके से ये जो इन्फेक्शन है वो बच्चों में बहुत होता है, पेट में कीड़े होने वाला, ठीक है, और उसको नाम देते हैं एस्केरियासिस। अब ये आप यकीन नहीं मानेंगे, ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं पेट के अंदर कि वो इंटेस्टाइन में जाके, ये सब अपना घर इंटेस्टाइन में बनाते हैं, और इंटेस्टाइन में इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर वो इंटेस्टाइन को ब्लॉक करने लग जाते हैं, ठीक है, वो इंटेस्टाइन को ब्लॉक करने लग जाते हैं। बच्चे को पेट में बहुत दर्द होता है, जब वो स्टूल पास करता है तो वाइट कलर के स्टूल में भी ये कीड़े दिखते हैं, कीड़े बोल रहा हूँ, ये वॉर्म्स दिखते हैं, ठीक। तो एक पेशेंट के इंटेस्टाइन से निकाले गए एस्केरिस हैं ये, जो आपके सामने यहाँ पे एक प्लेट में रखे हुए हैं, ठीक है, जो आपको नूडल्स लग रहे होंगे शुरुआत में, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये एस्केरियासिस से ग्रसित एक पेशेंट की इंटेस्टाइन से निकाले हुए एस्केरिस हैं, राउंड वॉर्म्स हैं,
तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक। तो इतना ज़्यादा ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर आपके भी आसपास आपके छोटे भाई बहन कोई हो तो सॉइल वगैरह में ऐसे मिट्टी वगैरह में खेल रहे हो तो थोड़ा मना करिएगा, क्योंकि वहाँ से एस्केरेसिस होने का चांस है, ठीक है। और ये एस्केरेसिस अच्छी बीमारी नहीं है, बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें IQ भी कम होने लगता है और क्या नाम है, दिमाग में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इससे। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट यहां पे एक पर्टिकुलर वॉर्म के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये वॉर्म है, इसका नाम होता है वुशेरिया, ठीक है। इसका नाम होता है वुशेरिया, ये जो वॉर्म है इसका नाम है वुशेरिया, ठीक है। ध्यान से देखना, इसका नाम है वुशेरिया। और ये जो वुशेरिया होता है ये एक पर्टिकुलर टाइप के मच्छरों के काटने से होता है, ठीक है, जिसका नाम है क्यूलेक्स। तो क्यूलेक्स प्रजाति का एक मच्छर होता है, ठीक, जो वुशेरिया के लार्वा अपने अंदर कैरी करता है, ठीक है, जो वुशेरिया के लार्वा अपने अंदर कैरी करता है। और अगर ये मच्छर काट लिया तो उससे भी ये एक पर्टिकुलर टाइप की डिजीज होती है जिसे हम बोलते हैं फिलेरिया, ठीक है, जिस डिजीज को हम बोलते हैं फिलेरिया या बोलते हैं एलिफेंट फुट या एलिफेंटियासिस, ठीक, या बोलते हैं एलिफेंटियासिस, ठीक, या बोलते हैं एलिफेंटियासिस, या हिंदी में बोलते हैं हाथी पांव, ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं, हाथी पांव, हाथी पांव, ठीक। तो हाथी पांव जिस पर्टिकुलर वॉर्म से होता है वो है वुशेरिया, और इसीलिए इस वुशेरिया को फिलेरियल वॉर्म भी बोला गया है। क्या बोला गया है, फिलेरियल वॉर्म। और इस कंडीशन में आप देख रहे हैं ये जो अपना वुशेरिया है यानी फिलेरियल वॉर्म जो है वो जाके तुरंत भागता है कहाँ पे, पैरों के पास पहुँचता है, ठीक, और पैरों में अपना घर बनाता है, पैरों में जो लिम्फ नोड होती है वहाँ पे अपना घर बनाता है और मल्टीप्लाई करता आता है, करता आता है। और उसका साइड इफेक्ट आप देख रहे हैं कि जो पैर है वो इतना मोटा मोटा हो जाता है फूल करके, ठीक। तो ये आप देख पा रहे हैं इसके इस पैर में फिलेरिया हुआ है, हाथी पांव हुआ है, एलिफेंटियासिस हुआ है। और ये एक बंदा है जिसके पैर में इतना ज़्यादा ये हो चुका है, हाथी पांव इतना आगे सीवियर कंडीशन में है कि स्किन जगह जगह से फटने लगी है, और उस पर्टिकुलर कई कई स्किन की जगह से ये जो वॉर्म है वो बाहर निकल रहा है। तो ये बेचारा बैठा हुआ है, अपने पैर को धो रहा है और जहाँ जहाँ से स्किन फट गई है वॉर्म बाहर निकल रहा है तो उस वॉर्म को खींच के बाहर भी निकाल रहा है, ठीक। तो ये जो वॉर्म्स हैं ये इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक। अब तो ये बुशेरिया फिलेरियल वॉर्म बोलते हैं। क्यूलेक्स प्रजाति का जो मच्छर होता है वो मच्छर इसके लार्वा कैरी करता है और किसी को काट लेगा तो उसमें हो सकता है ये, ठीक। अभी इंडिया में कुछ साल पहले एलिफेंटियासिस गाँव में बहुत ज़्यादा फैल गया था, ठीक है। और तो सरकार ने, जो गवर्नमेंट थी उसने एक पूरी की पूरी एक ये चलाया था, ठीक है, एक मूवमेंट चलाया था जहाँ पे वो एलिफेंटियासिस की बीमारी को ख़त्म करना चाहते थे, ठीक। उस मूवमेंट में क्या हुआ था कि सरकार के जो नियुक्त किए गए नॉमिनेटेड जो लोग थे वो गांव-गांव जाके घरों घरों में जाके लोगों को जागरूक कर रहे थे कि भाई ये इस तरह से होता है तो इस तरह से बच के रहना है इससे, और कैंप लगा के दवाओं का भी वितरण कर रहे थे, दवाओं का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, जिससे जो लोग हैं गांव के गरीब लोग हैं जो नहीं ले पा रहे हैं वो डिजीज़ के मेडिकेशंस नहीं ले पा रहे हैं उनको ये मेडिकेशंस दिए जा रहे थे, क्लियर है। तो काफ़ी चर्चा में रही थी ये बीमारी अभी कुछ समय पहले तक। देन ये एक और वॉर्म है, ठीक है, जिसके अंदर रेबडिटी फॉर्म लार्वा पर्टिकुलरली देखा जा रहा है, ठीक है, जिसके अंदर रेबडिटी फॉर्म लार्वा पर्टिकुलरली देखा जा रहा है। तो बस वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखानी थी। आपको क्लियर हो गया इतना,
तो आपको क्लियर हुआ ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी अभी। सारे जितने भी हमने राउंड वॉर्म्स कंप्लीट कर लिए हैं पूरे, तो अभी तक के लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है मेरे हिसाब से, आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यही फाइलम पूरा कंप्लीट करके खत्म करेंगे आज के लेक्चर को। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट फाइलम लेंगे जिसे हम थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं उसे आज स्टार्ट नहीं करूंगा। उसे पूरा कंप्लीट शुरू से लेकर आखिरी तक अर्थवर्म का वाला फाइलम है एनेलिडा, उसे पूरा का पूरा एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो फाइलम। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे अपन खत्म करते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो मेरे से आप जरूर पूछें। आई होप आपने आज के लेक्चर को काफ़ी अच्छे से एक्साइटमेंट के साथ, इंजॉयमेंट के साथ देखा होगा, सुना होगा और समझा होगा। तो लेक्चर को आज मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और ऐसा होप रखता हूँ कि आप संडे के टेस्ट को बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन प्रेशर लेंगे नहीं, बट ज़रूर टेस्ट ज़रूर देंगे, है ना? ठीक है, तो चलिए फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। थैंक यू वेरी मच।